अभी हम मौजूद है राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य भवन के सामने, जहां पर ANM भर्ती से जुड़ी कुछ महिलाएं प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ महिलाओं से इनकी समस्याओं को जानने के लिए बात करेंगे। मैम आज आप हाँ, हम ANM नर्सेज सारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई है कि हमारे इस 2023 में जो लिस्ट आई है ना ANM की, इसमें किसी भी नर्सेज जो संविदा पर लगा हुए है बाहर से नर्सिंग के ना, उसका किसी का भी नाम नहीं है। जबकि सिपू ने हमें 2016 में एग्जाम दे के ही लगाया था, तो उस समय हमारे तो डॉक्यूमेंट यही थे, तो उस समय उसने कहा नहीं था कि ये फर्जी है। अब कैसे फर्जी हो गई हमारे कोई फर्जी है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब इसकी चालबाजी है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द ये लिस्ट जारी करें। और जो संघर्ष कर रही है, हम 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, संविदा पर है, इतना काम कर रहे हैं, कोविड में हम सब ने इतना काम किया, जो लोग घर से भी नहीं निकलते लेकिन हम सब निकल रहे थे, फिर भी ये हमारी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे। इसलिए हमारा तो यही। मैम आप? मैं जोधपुर ज़िले से हूँ, मुख्यमंत्री गरज जिले से। मैं हमारी जो लिस्ट अभी निकली है ना, उसमें हमारा रिजल्ट रोका गया, जो संविदा कर्मी है सारों का ही रोका गया है। हम एग्जाम देके लगे हैं, अभी हम नहीं आएगा हमारा नाम तो हमारा कभी नहीं आएगा। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कोविड में काम किया था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम हमारा जीव जान जोखिम में डाल के लोगों की सहायता करते थे, बच्चों को छोड़ के आते थे। और सिपू ने हमारा एग्जाम दिया था तब हमारा डॉक्यूमेंट सही था, तो अब गलत कैसे हुआ हमारा? और CSR रूल में हम शामिल हैं, तो CSR रूल में हमारा डॉक्यूमेंट चेक होके ही फिर हमें शामिल किया गया है, तो फिर आज हमारा डॉक्यूमेंट सही क्यों हुआ, गलत क्यों है? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी DV लिस्ट वो रोकी हुई है, उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी वापस वो PV लिस्ट निकले और ज्वाइनिंग दे। धन्यवाद। देखिए, ये महिलाएं ANM भर्ती से जुड़ी हुई है, ये लगातार अपनी सूची में नाम की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। हम कोविड काल में हम संविदा कर्मी 5 साल से 5-5 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली चली गई कोविड में, फिर भी हमने रात दिन मेहनत करके चिकित्सा विभाग में सेवा दी, लेकिन अब हमको परमानेंट नियुक्ति नहीं दे रही है। और उनके बाद जो भी लिस्ट निकाली है वो फर्जीवाड़ा से निकाली है। हम 7 सालों से संविदा पे लगे हैं, फिर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे होने के बाद उनके बावजूद भी हमने सेवाएं दी, फिर भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहा हमारे साथ में। हम ANM है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है हमारा किसी का भी, और वेरिफिकेशन हो चुका है लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम किसी का नहीं आया, ना ही किसी का मेरा तो वैसे भी लिस्ट में नाम नहीं आया है कहीं भी। और ये जो जितने भी नर्सेज बैठी है सब इसका वो जो आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग चाहिए सभी को। और हम सरकार से ही मांगते हैं कि हमने कोविड में भी काम किया है, वैसे 4-5 साल भी काम किया है, तो हमें हमारी सरकारी जॉब दो, सभी की यही प्रार्थना है। देखिए, ये सभी संविदा कर्मी मौजूद है यहाँ पर और अब मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं है। मैम, हमारे इन्हें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा रिजल्ट रोका गया, वो किस कारण रोका गया? अगर हम फर्जी है, हमारी डिग्री बाहर से क्यों फर्जी हो, तो हम पहले NRS में क्यों लगे हुए हैं? इसलिए हम बैठे, हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है। मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं CSA कोविड पे और काम किया था, इसलिए इस लिस्ट में नाम रोका गया है। देखिए, ये महिला अभ्यर्थी सभी संविदा कर्मी भर्ती से जुड़े हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको सिपू ने यह कहकर इनका नाम लिस्ट में जारी नहीं किया क्योंकि इनको बताया गया कि इनकी डिग्री फर्जी है। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम संविदा कर्मी हैं और यहाँ जो 6 साल से संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी का नारा था कि संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे, और अशोक गहलोत जी आज भी ये नारा देते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, हम आपसे मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हमें दो आज। हम कॉन्ट्रैक्ट पर 6 साल से काम कर रहे हैं, कोविड में काम कर रहे हैं, और आज हमारी भर्ती को अटका के रख दिया है। यही निवेदन है कि हमारी जो कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, हम 6 साल से यही सिपू से ज्वाइनिंग ली थी, एग्जाम से लिया था, उस टाइम हमारे डॉक्यूमेंट को कर देते ना, आज हमारा जो भी है फैसला आज करो, अभी करो, यही CM साहब से हमारा बात कहना है। जी, मेरा नाम नीतू चौधरी है, मैं ANM प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग ANM की जो PV लिस्ट जो कल जारी की गई थी उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है,
क्योंकि हम सब लोगों ने आरएनसी से मान्यता प्राप्त की है, उसके बाद में इन लोगों ने हमारा रिजल्ट है जो होल्ड कर दिया गया। हम में से बहुत सी बहनें हैं जो सब संविदा पे लगी हुई हैं, चाहे वो एनएचएम से लगी हुई हो, यूटीपी से लगी हुई हो, सीएचए हो, चाहे पीपी मोड हो, चाहे कोई भी हो। आज तक जब हमने 7 से लेकर 10 साल तक जब सरकार को सेवाएँ दी है, तो आज इन्होंने किस कारणवश हम लोगों की जो पीवी लिस्ट है उसको होल्ड किया गया है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज सब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जबकि हमें सीएसआर जो रूल स्क्रीनिंग जब भी एनएचएम के द्वारा जो हुई गई थी उसमें भी हम लोगों को सम्मिलित किया गया। वैश्विक महामारी कोविड जैसी महामारी में भी हमने जब सबको सेवाएं दी है, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि अधिकारियों का काम अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यवस्था से सारा काम किया है। 2500 की डीवी करवाना एक दिन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सब कुछ अच्छे से किया है, तो लास्ट में आकर ऐसा क्या हो गया जो सारा सिस्टम डगमगा गया। आज हम इसी जवाब के लिए सारी बहनें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। मांग है भाई इस मैटर का जल्दी से निस्तारण करके, जैसे 2018 में सरकार ने जो बाहरी राज्य से जो डिग्रियां करके आई है उनको ले लिया गया, तो अब की बार क्यों होल्ड में किया है, तो उसी वार्ता के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये मांग हमारी सरकार तक पहुंचाई जाए, आप मीडिया भाई बंधु से ये निवेदन रहेगा हमारा। हम से नर्सिंग की हुई है उमेद हॉस्पिटल जोधपुर से, 68.34% बन रहे हैं, और RBC और CB 12वीं और 10वीं दोनों राजस्थान से की हुई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, और इस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है, दोनों में नहीं आए सर, पीछे वाले में। देखिए महिला अभ्यर्थी लगातार राजस्थान स्वास्थ्य भवन परिवार कल्याण से अपनी सूची में नाम जारी कराने को लेकर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, मेरे कैमरामैन साथी संजय शर्मा के साथ द नेगरी न्यूज के लिए।